वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंस्पायर अकेडमी सिमरनजोत सिंह। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास नाइन्थ। एंड वी हैव डन इट अप टू एक्सरसाइज 1.4, ओनली टू सम्स वी हैव डन। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू इट, सॉरी वी हैव डन इट अप टू एक्सरसाइज 1.5, फर्स्ट टू सम्स। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द थर्ड सम। ओके, एंड प्लीज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इंस्पायर अकेडमी। सिमरनजोत सिंह, सो प्लीज़ मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे आपके जो व्यूज़ हैं उसका पता चलता रहे। आप अगर पसंद करते हैं मेरी वीडियोस तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। सो एक्सरसाइज 1.5 का जो थर्ड सम है, मैंने ऑलरेडी वैसे इसके बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी, जो थर्ड सम है वो कैसे बताया हुआ है, पहले तो आप थर्ड सम नोट कर लीजिए। रिकॉल, उसका मतलब क्या है, रिकॉल करना है। Pi is defined as the ratio of the circumference, हम उसको मान लेते हैं सर्कमफ्रेंस को C, से C of a circle to its diameter, से diameter को ले लिया d, उसका मतलब क्या हुआ, that is pi is equal to c by d, this seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? So ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि पाई जो है वो क्या क्या है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो बेसिकली ये बताया गया है कि सर्कमफ्रेंस, मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है ना, वैसे तो क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, जो डबल टाइम्स आर होता है, मतलब कि 2r होता है, वो क्या होता है, डायमीटर होता है ना, तो उन्होंने क्या लिखा है, इसको पाई डी लिखा हुआ है, सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंस को सी लिखा हुआ है, 2r, 2 टाइम्स r मतलब डायमीटर, डायमीटर का मतलब डी लिख दिया 2 टाइम्स r की जगह पे। सो कह रहे हैं बेसिकली पाई की वैल्यू डी इधर मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, सी बाई डी है, पाई की वैल्यू सी बाई डी है, तो फिर भी ये तो हमारा कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, क्योंकि पाई हम बता रहे हैं इरेशनल है, सी अपॉन डी तो एक रैशनल नंबर बन रहा है, तो ये आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजोल्व करेंगे। तो वही मैंने जैसे आपको बताया था ऑलरेडी, 22/7 इज अ वैल्यू दैट इज जो उन्होंने निकाली हुई है, जस्ट एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड बाय मैथमेटिशियंस, अदरवाइज पाइज नेचुरल वैल्यू दैट इज वी कैन से एक्चुअल वैल्यू, सॉरी the pi's actual value is an irrational number, 3.1347 and so on, numbers are going on and it is not even repeating and not terminating, so pi's actual value is 22/7, not 22/7, it is 3.14 and something, so on, so that is why it is still irrational, otherwise pi's value that we use for solving our sums, that is 22/7, so
दैट इज वाई दिस कॉन्ट्रोडिक्शन अराइव्स। ओके सो आपने ये खुद करना है, ये खुद लिखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट सम से हम जो है कंटिन्यू करेंगे, वो जरा ध्यान से देखने वाला है। सो ये हमारे नेक्स्ट टू और इस एक्सरसाइज के लास्ट टू सम्स हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अभी समझाता हूँ। आपने ये वाले ये क्वेश्चंस हैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मैंने ये पिछली वीडियो में आपको एग्जांपल्स में ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। सो मैं आपके लिए ये जो फर्स्ट एग्जांपल है एक बार दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। मैं यहाँ पे सो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में क्या है, 1/√7 है। सो रूट सेवन के साथ मल्टीप्लाई, रूट सेवन के साथ डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज ऐसे करते हैं, ठीक है ना, एक नंबर वाले को। तो रूट सेवन इंटू वन बिकम्स रूट सेवन ओनली, और रूट सेवन इंटू रूट सेवन, जब मैंने बताया था रूट के अंदर वाले ऐसे क्या होते हैं, अंदर में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये पेयर बन गया। तो ये रूट सेवन में से एक सेवन बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, ये सिर्फ एक सेवन। तो ये आंसर आएगा रैशनलाइजिंग जो फर्स्ट वाला। ऐसे मैंने बाकी के भी करवाए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है पहले तो प्लीज मेरी इससे पहले जो फोर्थ पार्ट है वीडियो का उसको विजिट करें, और उसमें मैंने एंड में वीडियो खत्म होने से पहले ये सारा बिल्कुल समझाया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये चारों सम्स जो है वहां से आपने देख के समझ के ये खुद करने हैं, ये आपके बहुत ईजी सम्स हैं, ठीक है। ये आप पहले नोट कर लीजिए, मैं फिर उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए सारे, फिर उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो पेपर में बहुत बार आता है ये तीन नंबर में आता है, ठीक है। पेपर में जितनी बार भी आता है ये 3 मार्क्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, 9.3 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जब रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन, तो 9.3 क्या 4.3 समथिंग एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, पॉइंट वाला जो होगा ना डेसिमल नंबर में रूट होगा जो, तो वो उसको कैसे करना सॉल्व। सो पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 9.3, सो आपने क्या करना है, आपने अपना स्केल उठा लेना है, 9.3 सेंटीमीटर्स की एक लाइन लगा लेनी है, उसको हमने नाम दे दिया सपोज ए बी, ओके इसको आपने ए बी नाम दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने भी सेंटीमीटर की बताई हो, अगर यहाँ पे 4.3 बताया तो 4.3 की मार लेनी है, 9.3 की बताया तो 9.3 की लाइन मार लेनी है स्केल के साथ। उसके बाद जब इसको अभी क्या करना है, 1 सेंटीमीटर आगे और ड्रॉ करना है, जितने भी सेंटीमीटर की मर्जी दी हो आपको लाइन, आपने एक्सटेंड कितना करना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, ज्यादा नहीं करना है, ओनली 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 4.3 होता तो छोटी लाइन होती, फिर भी हमने इसको 1 सेंटीमीटर ही एक्सटेंड करना था, तो ये इस बात का ध्यान रखना आपने। अब आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में सीखा होगा कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन का कैसे बनाना होता है। तो ये देखो पहले हमने जो उसको बढ़ा लिया, अब हमारे पास एसी है, यहां तक पूरी लाइन कहां तक बढ़ गई, एसी तक। बच्चे क्या करते हैं, बी तक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, वो गलत होता है, तो उसको ध्यान से देखना, ए से लेकर सी तक। क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपास उठा लेनी है आपने, उसमें पेंसिल डाल लेनी है, कंपास का पॉइंट यहाँ पे रखना है, अंदाजे से एसी जितनी बड़ी है ना लाइन उसका अंदाजा ले लेना, आधे से थोड़ा ज्यादा खोल लेना है प्रकार को, यहां तक खोल लो चाहे, ठीक है। और क्या करना है, ऊपर एक आर्क लगानी है, एक नीचे आर्क लगानी है खोल के, और उसनी कंपास को उतना ही खुले रहना देना है, सी पे रख लेना है उसके पॉइंट को, और ऐसे दोनों जो हमने आर्क लगाई है उसको क्रॉस कर देना है। तो ये जब इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमें इसका इस लाइन का सेंटर देगा, ओ एसी लाइन का सेंटर ओ पॉइंट हमें देगा, ओके। तो हमने क्या करना है, फिर यहां पे कंपास का पॉइंट रख लेना है, अब कितना खोलना है, ओ ए जितना, इतना खोल लेना है इसको। तो पेंसिल आपकी यहां पे होगी, यहां पे होगा पॉइंट, तो आपने क्या करना है, ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा विदाउट कंपास मैं बना रहा हूं, तो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा बन जाए, तो आपने तो सही बनाना है, ठीक है। चलो ऐसे सेमी सर्कल बन गया। अब जो हमारा बी पॉइंट था, इसके ऊपर आपने वो लेना है, प्रोट्रैक्टर ले लेना है, ठीक है, मतलब डी जिसको कहते हैं, उसके साथ यहाँ पे सीधा सीधा एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, ऐसे शो कर देना भी ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनाया, कहां तक बनाना है उसको, जहां तक वो सर्कल सेमी सर्कल को टच कर रहा है, तो उसको पॉइंट डी लिख लेना हमने, ठीक है। अब क्या करना है,
पॉइंट बी पे कंपास का पॉइंट रखना है और उसको खोल के कहां तक खोलना है, डी पॉइंट तक, ठीक है। यहां पे आपका कंपास का पॉइंट है, यहां पे पेंसिल होगी, उसको ऐसे आगे हमने ड्रॉ कर देना है। ऐसे ना गोल जाएगा, ठीक है ना, ऐसे गोल आगे ड्रॉ कर देना है। वो देखो इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो लाइन को कहां पे एक्सटेंड करके ये मीट कर रहा है, वहां पे आपने इसको ई लिख देना है, ठीक है। तो हमारा जो ये बना ना बीई, ये क्या है हमारा रूट ऑफ 9.3। अगर वहां पे 4.3 होता तो ये बीई क्या होता, हमारा रूट ऑफ 4.3 होता, कुछ भी दिया हो उसकी जगह पे, तो ऐसे बनाना है। सो बीई रिप्रेजेंट रूट ऑफ 9.3 या फिर बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 9.3, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आप इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आते हैं हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो भी ऐसे कोई नंबर दिया होता है उसके ऊपर जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। समथिंग रेज टू पावर समथिंग, ये एक्सपोनेंट्स होते हैं। तो ये क्या है, इसके लॉज क्या है, कोई भी एक नंबर है उसकी पावर एम है और दूसरा एक नंबर है ए की पावर, ही हम एन ले लेते हैं। दोनों के बेसिस, मतलब ये बेसिस होते हैं, ये पावर्स होती हैं। इसको कैसे बोलते हैं, ए रेज टू पावर एम, बी रेज टू पावर एन। तो इसका मतलब ये बेस होते हैं ए और उनकी पावर्स ऐसे बोलते हैं, ए की पावर एम, बी ए की पावर एन, ए रेज टू पावर एम इंटू बी ए रेज टू पावर एन। अगर ऐसे आता है तो इनके जब बेसिस सेम है तो क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। दूसरा रूल क्या है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड रूल क्या है, अगर बेस ऐसे ए रेज टू पावर एम है और दूसरा बेस जो डिवाइड में है, ए ए नीचे है अगर, तो एम मल्टीपल में नहीं है, तो क्या आएगा, पावर्स ऊपर वाली से नीचे वाली माइनस हो जाएगी, एम माइनस एन हो जाएगा। ए जब बेसिस सेम है तो, जब बेसिस अलग अलग है फिर नहीं होगा। थर्ड थर्ड क्या आता है, अगर बेसिस अलग अलग है बट पावर सेम है तब क्या होता है, ए इंटू बी दोनों की पावर एम आ जाती है, ओके। एक और होता है, अगर एक पावर के फिर ऊपर एक और पावर है, एम रेज टू पावर एन, पावर के ऊपर पावर आएगा तो कैसे होता है, ये एम मल्टीप्लाई बाय एन हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक है। और एक स्क्वेयर रूट वाला भी आपको बता दूं, अगर ऐसे लिखा हुआ ना स्क्वेयर रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है, ए 1/2। अगर लिखा हुआ ऐसे, इसके जो जैसे ये बन रहा है ना, एक टिक टाइप बन रहा है ना स्क्वेयर रूट का, जो जहां पे कॉर्नर बन रहा है, अगर उसके बीच में कोई नंबर लिखा हुआ ना, अगर नहीं लिखा तो उसका मतलब 1/2 है। अगर यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, ए रेज टू पावर 1/3 हो जाएगा। जहां पे अगर 3 लिखा हो तो 1/3 हो जाएगा, अगर यहां पे 4 लिखा होता है यहां पे तो ए की पावर 1/4 हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, ए रेज टू, अगर ऐसे होता है ना कुछ भी पावर हो यहां पे एम है ना, और इसकी पावर फर्दर एन हो, तो क्या आएगा। अब देखो ये तो नीचे जाती है पावर, बेस में आएगी, ऊपर कौन सी पावर आएगी, एन। मतलब असल में ये कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूं, ए स्क्वेयर रूट ऑफ एम, इसके जो बगल में क्या लिखा हुआ, एम लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 1/m की पावर फर्दर क्या है, एन, फर्दर पावर एन है ना। इसको मैंने ऐसे लिखा, सिर्फ मैंने बताया था अभी, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है ना, 1/m मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा। तो एन बाय एम लिख सकते हैं, एन इंटू वन एन होता है एन बाय एम। तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखो मैंने जो यहां पे सीधा इसका रिजल्ट लिखा ना, वो कैसे आया, ऐसे सॉल्व करके मैंने आपको बताया। तो ये कुछ लॉज हैं, अगर कोई रह भी गया होगा तो वैसे मैं आपको सम्स करवाते हुए बता दूंगा। वैसे देख लो, एक और कभी कभी यूज होता है, ए की पावर अगर माइनस एम है, माइनस समथिंग है, तो इसको हम 1/8 रेज टू पावर एम लिख सकते हैं। मतलब वो पावर जो है वो वन नीचे आ जाती है एक तरह से, डिनोमिनेटर में ऊपर वन रह जाता है। अगर ऐसे है 1/8 रेज टू पावर माइनस एम, अब नीचे ऑलरेडी है, अब नीचे छोड़ के ये ऊपर आ जाएगी,
पॉजिटिव होने के लिए ए रेज टू पावर एम। सो ऐसे होता है एक्सपोनेंट्स में। सो ये आपने पूरी चीज जो है नोट कर लेनी है, एग्जांपल्स मैं भी आपको करवाता हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। सो ये हमारी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 1.6 से पहले। सो ये देखो पहले में क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने देखना कौन सी एक्सपोनेंट की जो आइडेंटिटी लग रही है, तो आपने देखना यहाँ पे कौन सी लग रही है, बेसिस सेम पावर्स है, तो यहाँ पे देखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आप ऐसे लिख सकते हो, या यूजिंग आइडेंटिटी ए रेज टू पावर एम डॉट बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। सो बेसिस सेम पावर्स एड, ओके। आप पहले ऐसे लिख सकते हो फिर उसको यूज कर सकते हो, जैसे यहां पे मैं कर रहा हूं 2/3 प्लस 1/3। सो पावर्स में हमने इसको सॉल्व करना है, डॉट का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है ना। तो 2/3 क्या हो जाएगा, इनका दोनों का बेस डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 2+1 है ना, 2/3 हो जाएगा, 3 और 3 कट के 1 आ गया, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से अभी यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, अब मैंने पहले बताया हम आप पहले आइडेंटिटी लिखी बाद में उसको यूज किया, तो यहां पे हम कैसे कर सकते हैं, पहले आइडेंटिटी यूज कर लो बाद में ब्रैकेट में लिख सकते हो, कैसे। अब देखो हमें पता चल रहा है ए की पावर एम की पावर एन लग रही है, तो हम क्या करेंगे पहले इसको यूज कर लेते हैं 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम ब्रैकेट में बताएंगे ये कैसे आया, बिकॉज ये चीज कैसे आई ये ब्रैकेट में बताएंगे, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम क्रॉस एन एम इंटू एन। तो ये चीज कैसे आई हमने बिकॉज में बता दिया, ये चीज हम पहले भी लिख सकते थे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी, फिर इसको ऐसे लिख सकते थे, फिर बिकॉज में लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आप कैसे भी लिख सकते हो दोनों में से। तो अब देखो 4 × 1 ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होता है नीचे वाला नीचे से, इसके नीचे कुछ नहीं है, 4 × 1 4 हो जाएगा। सो ये क्या बन गया 3/4/5, ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल ये आंसर है। और एक्सरसाइज में भी हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये ऊपर भी बेस ठीक सेम है, नीचे भी बेस सेम है, 7 है ना बेस, इसमें कौन सा बेसिस सेम है बट डिवाइड में है, सो बेसिस सेम पावर्स विल सब्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, रेशनल फॉर्म में है। तो यहां पे क्या आएगा, इसको हम लिखेंगे 7/1/5 - 1/3, इसके आगे रीजन लिख देंगे ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ब्रैकेट में साइड में लिख देंगे हमने ये कैसे लिखा। इसको सॉल्व करना है, इनके जो डिनोमिनेटर था वो दोनों डिफरेंट है, जिसका 5 है इसका 3 है, सो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होना तो कैसे करो, सिंपल तरीका ये है 1/5 का जो 5 और 3 है आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 सार नीचे आ जाता है 15, ठीक है। 3 जो ये वाला 3 है ऊपर वाले 1/5 के ऊपर जो 1 न्यूमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाले 5 को दूसरे वाले के न्यूमिनेटर के साथ, सो 3 × 1 3 आता है, 5 × 1 - 5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बन गया 7/-2/15, पावर माइनस की आ गई, वैसे तो यहां पे भी खत्म कर सकते हैं, माइनस की पावर है तो क्या करेंगे 1/7/2/15। सो इसके आगे भी आप आइडेंटिटी लिख सकते हो, पावर नेगेटिव थी ना तो उसको मैंने 1/something लिख दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, लास्ट ये रहेगा बेसिस डिफरेंट पावर्स सेम, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिस डिफरेंट पावर सेम में क्या होता है, जस्ट बेसिस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर दोनों की एक कॉमन आ जाती है, इसका भी रीजन हम लिख देंगे आगे, बिकॉज ए रेज टू पावर एन डॉट बी रेज टू पावर एम एम, दोनों की पावर एम एम है, सेम है मतलब, तो क्या होगा ए क्रॉस बी, बेसिस डिफरेंट हो गए ना ए और बी, दोनों की पावर एम आ जाती है, तो ये हमने रीजन लिख दिया उसका। 17 × 3 कर लीजिए, 17 × 3 क्या आता है 7 × 3 = 21 91 13। सो यहां पे क्या आ जाएगा, जस्ट 221 रेज टू पावर 1/5। सो ये तो सिंपल एग्जांपल्स थी, ये आपने ऐसे ही नोट कर लेनी है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुंचते हैं, ये नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.6 जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके 3 क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स हैं। सो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, फाइंड बोला उन्होंने, फाइंड करना मतलब इसका कोई ना कोई आंसर आएगा,
ठीक है, पहले तो हमने जो एग्जांपल की थी उसमें क्या करना था, जस्ट सिंपलीफाई करना था, तो उसका हमने पावर्स वाले आंसर में भी छोड़ दिया था। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या करना है, 1/2 है, मतलब कि जब ऐसे पावर हो ना समथिंग 1/MP/Q की फॉर्म में हो, तो इसका डिनोमिनेटर देखना है, 2 है, ठीक है। सो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर अगर 2 है तो यहां पे भी अंदर किसी चीज का स्क्वायर होगा। सो 64 किसका स्क्वायर होता है, हमें पता है 8 8 64 होता है, सो 8 स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर की पावर 1/2। अब आइडेंटिटी लग जाएगी, 8 8 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1/2। अब आइडेंटिटी क्या लगेगी, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये बेस वाला जो है ना कटना होता है, अंदर वाली जो पावर बनती है, तो ऐसे ही हमने देखना है इसको। तो इसका आगे हम रीजन लिखेंगे, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए एम क्रॉस एन। सो इसका रीजन लिखना जरूरी होता है, ये हमने कैसे लिख दिया ये। अब देखो ये पावर के साथ ये न्यूमिनेटर में थे, ये डिनोमिनेटर 2 और 2 कैंसिल हो गए, 8 रेज टू पावर 1 आ गया, तो 8 आंसर। एक तो ये तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको नहीं पता चल रहा 64 किसका स्क्वायर है तो कैसे करना है, अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अगर 32 देखो यहाँ पे, अब आपको 32 नहीं पता चल रहा किसका स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 16 8 4 2 1, ठीक है। अगर 64 होता तो 32 का डबल 64 होता है, तो एक और 2 होता हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे होना था, अब 32 के फैक्टर्स बन गए, 2 रेज टू पावर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। सो 32 को कम हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5। सो मैंने आपको बताया था 1/5 है, तो अंदर वाला भी 5 समथिंग रेज टू पावर 5 होगा, कुछ भी किसी नंबर का रेज टू पावर 5 होना चाहिए, तभी जो कटिंग होगा ना। तो अभी क्या हो गया, 2 रेज टू पावर 5 आ गया, बाहर क्या है, उसकी पावर 1/5 है। सो यही वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे आके फिर यूज करनी है, वो आपने दोबारा लिखनी है। तो 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, 5 के साथ 5, पावर्स में होना चाहिए ये लिखना, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 बच जाएगा, जिसका आंसर 2 है। अब मैं आपको ये दोनों आपने पॉज करके नोट कर लेने, मैं आपको ये बताता हूँ अगर ये दूसरे तरीके से करना होता तो कैसे करते, ठीक है। अगर हमें 64 ना पता हो किसका स्क्वायर है, ठीक है, हमें तो यहाँ पे पता था ना, अगर नहीं पता तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक और, अगर 64 के फैक्टर बनाने होते तो क्या होता, यहाँ पे 64 होता, उसके फैक्टर्स बनने आने थे 2 रेज टू पावर 6, तो यहाँ पे क्या आ जाता फिर, 2 रेज टू पावर 6 आ जाता, उसकी पावर 1/2 आ जाती, ऐसे होता ना। तो हमारा याद रखना आपने, इसका पहले आंसर क्या आया था, 8 आया था, अब भी 8 आएगा, 2 रेज टू पावर 6 आ गया, पावर के ऊपर पावर है, सो हमने वही वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। 2 3 6, सो यह क्या बन गया, 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आंसर आ गया, 8। आपने नोटिस किया होगा हमारा पहले भी आंसर 8 आया था, अब भी 8 आया। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे, अगर आपको पता है 64 8 का स्क्वायर होता है तो आप वैसे कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो उसको सॉल्व करके फैक्टर्स निकाल के ऐसे कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस, आपका आंसर दोनों तरह से सेम आएगा, ठीक है। लास्ट जो थर्ड पार्ट, वो भी मैं आपको बताता हूं। सो ये दोनों पार्ट अब मैं रब करने वाला हूं। वन ट्वेंटी फाइव रेज टू पावर 1/3। सो 1/125 के भी आपने ऐसे फैक्टर्स बना लेने हैं, देखना है 2 पे जा रहा है, 2 तक जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा सीधा, 5 का 25 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 5 5। सो 1/3 था ना, तो यहाँ पे भी 5 3 बार आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर देखना पावर क्या है, 3 है डिनोमिनेटर में, 1/3 है पावर की, तो इसका मतलब अंदर वाला भी जो होगा वो समथिंग रेज टू पावर 3 होना चाहिए। तो 5 की पावर 3 आ रहा है, तो हमारा आगे आपने आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ये जो सम है इसको भी ऐसे ही करना है, हमने ऊपर वाले को बाद में देखना है, पहले देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो ये भी 9 भी किसी की पावर 2 होगा, हमको ऑलरेडी पता है 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो ऐसे बन जाएगा ये, पहले ऐसे लिख लेना है, हमने जो डिनोमिनेटर है वो खत्म करना होता है, तभी ये सिंपलीफाई होगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है,
थ्री रेज़ टू पावर टू मल्टीप्लाई बाय थ्री बाय टू। तो इसके आगे हमने लिख देना है कौन सी डेंटिटी यूज की, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए एम क्रॉस एन, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है अगर पावर्स के ऊपर पावर हो तो। ये टू के साथ टू कट गया, थ्री रेज टू पावर थ्री बच गया, तो थ्री रेज टू पावर थ्री क्या होता है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन इज योर आंसर। तो ऐसे ही 32 के हमने ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए थे, याद है आपको, 16 के भी ऐसे ही 2 रेज टू पावर 4 आएगा, 4 के साथ 4 कट जाना, 2 की पावर 3 बजेगा और 8 आंसर आना चाहिए आपका। और ये वाला जो है 125 125 रेज टू पावर माइनस 1 बाय 3 है, सॉरी यहां पे माइनस 1 बाय 3 है, सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने 125 के ऑलरेडी फैक्टर्स बनाए हुए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर माइनस 1 बाय 3। सो पावर के ऊपर पावर है, नेगेटिव में है कोई चक्कर नहीं है, तो पावर के ऊपर पावर, तो क्या करेंगे 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3, ठीक है, ये कट गए। इसके आगे रीजन यही वाला दिखना है जो हमने ये लिखा ना, तो यहां पे आ जाएगा ये 5 रेज टू पावर माइनस 1 आ गया, मैंने बताया था समथिंग रेज टू पावर माइनस पावर में होगा, तो क्या करेंगे उसको 1 बाय 5 रेज टू पावर 1 आना चाहिए, है ना। तो 5 रेज टू पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे a रेज टू पावर माइनस m क्या होता है 1 बाय a रेज टू पावर m। सो ये हमने ऐसे लिखा, इसका आंसर ऐसे आ गया, ये दोनों बीच वाले जो आपने खुद करने हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। 1.6 एक्सरसाइज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके चार पार्ट्स हैं, हमने आइडेंटिटीज वगैरह जो हमने पढ़ी है वही लगनी है, बेसिस सेम पावर्स ऐड। सो ये वाला तो सिंपल सिर्फ साफ पता चला, 2 रेज टू पावर 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 आएगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है, आगे आइडेंटिटी लिख लेनी है। नेक्स्ट वाला देखिए 1 बाय 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7, जब ऐसे होता है ना तो कैसे करते हैं, 1 की पावर 7 अलग लिख लेते हैं और 3 रेज टू पावर 3 की पावर 7 अलग लिख लेते हैं। सो जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम क्रॉस एन जो यहाँ पे लगनी है, ये ऊपर में ही होगी, अगर न्यूमिनेटर में ही होगी तभी लगेगी, नीचे भी लग सकती है, डिनोमिनेटर में है ना, सो नीचे नीचे ही ये लग जाएगी आइडेंटिटी, ऊपर वाला जो है 1 रेज टू पावर 7, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में है तो वो डिपेंड करता है भी इवन पावर है या ऑड पावर है, तो उसके हिसाब से 1 जो है पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। सो 1 की पावर अगर पॉजिटिव में कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, तो नीचे क्या बन गया 3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7। अब ये आइडेंटिटी यहां लग सकती है तो डिनोमिनेटर में, पर ये नीचे नीचे ही लगेगी, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम क्रॉस एन, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7, 1 बाय 3 रेज टू पावर 7 3 आर 21 आंसर आ जाएगा, 1 बाय 3 रेज टू पावर 21 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ये नोट कर लीजिए पॉज करके, ये वाला तो सेम सिंपल ही है, जस्ट पावर्स बेसिस आर सेम पावर्स आर डिफरेंट, सो ये नेगेटिव वाला होगा ना, तो जो डिवाइड में होता है तो बेसिस सेम पावर्स विल सबट्रैक्ट, ये वाला खुद करना है, और ये भी सिंपल है, ये भी खुद करना है, बेसिस डिफरेंट पावर्स आर सेम, सो इसमें क्या होता है बेसिस आर मल्टीप्लाइड एंड पावर्स रिमेन कॉमन, 1 बाय 2 सेम रह जाएगी, है ना, तो ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसकी, ए रेज टू पावर एम इंटू बी रेज टू पावर एम, बेसिस डिफरेंट होगी ए और बी और पावर्स एम 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 1 बाय 2 सेम होगी, सो इसमें क्या होता है बेसिस जस्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर कॉमन आ जाती है m, तो इसमें आपने ये वाली आइडेंटिटी करके इसको यूज करना है। सो इसके साथ ही हमारा जो आज का सेशन है, ये पूरा एक चैप्टर भी है वो खत्म हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर फॉर नाइन्थ क्लास, आगे आगे हम ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे, सेकंड चैप्टर थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, मैं सभी चैप्टर्स पे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और पूरी एनसीईआरटी बुक जो है वो हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किया करेंगे बीच बीच में, मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको मैं कुछ इसके रिलेटेड, जैसे ये सिंपल सिंपल से सम्स हैं, सो ऑब्वियसली नाइन्थ क्लास हमें इतने सिंपल सम्स नहीं आएंगे ना, हमने एट्थ क्लास में भी ऐसे एक्सपोनेंट के रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, सो हमें थोड़े डिफिकल्ट सम्स भी आएंगे,
ठीक है, वो चार नंबर में सामोगर डालना चाहें एक्सपोनेंट का तो कैसे डालेंगे, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो फेमस क्वेश्चंस हैं पेपर में बार बार आए हैं, तो वो भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। कोई भी चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम जो है उसके रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो अदर बुक से, आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा से, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करवाऊंगा, ठीक है, तो वो आप वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। तो आज क्या हम जब हमारा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, मेरा जो इंस्पायर एकेडमी सिमरनजोत सिंह चैनल है वो आपने प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी मिले, वॉच टाइम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस जो हो आगे आगे बना के देता रहूं। थैंक यू वेरी मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।